नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी की प्रथम क्लास है और इस ज्योग्राफी सीरीज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जल्दी आपको प्रतिदिन एक क्लास मुहैया कराई जाएगी और ये सभी ज्योग्राफी की क्लासें हम SSC CGL CPO लेवल तक लेकर चलेंगे। SSC या HSSC या BPSC या UPSSC, इन सभी का लेवल देखते हुए ये सभी क्लासें हम लेकर आए हैं। तो आप हमारी क्लासों से लगातार जुड़े और ये क्लासें अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर वगैरह भी जरूर करें। ज्यादा वक्त ना लेते हुए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी की बात करें हम, हमारे पास में ज्योग्राफी जिसका हिंदी में किस नाम से जानते हैं, जिसको भूगोल के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये बनता है, ज्योग्राफी या भूगोल की डेफिनेशन क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जो नदी नाले पहाड़ पर्वत जीव जंतुओं वनस्पति आकाशीय पिंडों महासागरीय और महाद्वीपों का स्वतंत्र मात्रा में अध्ययन कराता है, ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी वह स्वतंत्र विषय है जो नदी नाले पहाड़ पर्वत जीव जंतुओं वनस्पतियों महाद्वीपों महासागरों और भू धरातल और आकाशीय पिंडों का स्वतंत्र मात्रा में अध्ययन कराता है, ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये कथन ना ही तो हमारे हैं और ना ही बुक जिसने बनाई है उसके कथन है। ये हमारे भूगोल वेत्ता एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्ट्रैबो, उस वैज्ञानिक स्ट्रैबो के कथन है ये। तो आप याद रखिएगा, उनके विचार हैं, उनके द्वारा दी गई ये परिभाषा है वैज्ञानिक स्ट्रैबो के द्वारा। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर दो पार्ट बनते हैं जिसमें नाम आता है, नॉर्मली दो पार्ट बनते हैं जिसमें नाम आता है इंडियन ज्योग्राफी और जिसमें नाम आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम सबसे पहले करवाएंगे भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले नाम आता है भारत का सामान्य परिचय। लेकिन भारत के सामान्य परिचय से पहले हम पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो होने वाली गतिविधियां हैं उनका एक बार जिक्र करेंगे, और उनका जिक्र करने के बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, ये हमारे पास में पड़ता है एक सूर्य, और इस सूर्य की दूरी के अनुसार जो थर्ड प्लैनेट है, तीसरा ग्रह है, उसका नाम आता है पृथ्वी। एक हमारे पास में पड़ता है सूर्य, और इस सूर्य की दूरी के अनुसार जो तीसरा ग्रह है, इस तीसरे ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी है। लेकिन यदि हम बात करें कि सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग तो तीसरा ग्रह पृथ्वी, लेकिन आकार में साइज में पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी, आकार में साइज में पांचवा बड़ा ग्रह, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड प्लैनेट है, कौन सा, पृथ्वी। सूर्य के सबसे पहले नाम आता है बुध मरकरी का, उसके बाद में शुक्र वीनस का, उसके बाद में पृथ्वी अर्थ का नाम आता है। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, याद रखिएगा, और उसके बाद में शुक्र और उसके बाद में पृथ्वी। तो याद रखिए, सूर्य की दूरी के अनुसार थर्ड प्लैनेट पृथ्वी और आकार में साइज में पांचवा बड़ा ग्रह पृथ्वी। अब आपने दो घटनाएं देखी होगी कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है। देखिएगा, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है पृथ्वी और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है। लेकिन अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमता है ये हमें कैसे पता चला? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो उसके कारण दिन और रात बनते हैं, दिन और रात बनते हैं जब पृथ्वी, डे और नाइट बनता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है उस समय। तो हमारे पास में दिन और रात कितने कितने घंटे के बनते हैं, 12 12 घंटे के। तो हम ये अनुमान लगा ले कि
कौन सा अनुमान लगा ले कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी उसके कण दिन और रात बने। हमारे पास में दिन और रात कितने कितने घंटे के बने, 12-12 घंटे के। तो पृथ्वी अवश्य ही अपने अक्ष पर घूमने में कितना वक्त लेती होगी, 24 घंटे का। तो याद रखिएगा, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये पृथ्वी यदि रियल टाइम हम देखें तो उसमें नाम आता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। अब यहां से भैया क्वेश्चन निकल कर आते हैं काफी। पृथ्वी एक ग्रह है, सभी को मालूम है। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दिन और रात बनते हैं, तो पृथ्वी से हमें पता चला कि पृथ्वी एक ग्रह था जिसके अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात बने। तो और भी ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर घूमते होंगे, और जो ग्रह अपने अक्ष पर घूमते होंगे दिन और रात, तो उनके ऊपर भी बनते होंगे। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है 24 घंटे में। यदि पृथ्वी, यही पृथ्वी, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर 72 घंटे का दिन रात क्यों नहीं बनता है, तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 144 घंटे के अंदर घूमेगी तो 72 घंटे के बन जाएंगे। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि पृथ्वी के ऊपर ये दिन रात 12-12 घंटे के ही क्यों बनते हैं। आपसे पूछे कि दिन रात तो और भी बड़े बनने चाहिए, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर दिन रात 12-12 घंटे के ही क्यों बनते हैं, तो आप बता देना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता ही 24 घंटे में है, जिसके कारण दिन और रात 12-12 घंटे का बनता है। लेकिन ये पृथ्वी अपने अक्ष पर यदि 36 घंटे में घूमेगा तो दिन और रात 18-18 घंटे के बन जाएंगे। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी यदि 36 घंटे में, तो दिन और रात बनेंगे 18-18 घंटे के। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है 24 घंटे में, जिसके कारण दिन और रात बनता है 12-12 घंटे के। अब पृथ्वी एक ग्रह था और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा था और अपने अक्ष पर भी घूम रहा था। अपने अक्ष पर जब घूमा है तो दिन और रात बने, तो और भी ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमेंगे, उनके ऊपर भी क्या बनेगा, दिन और रात। कोई ग्रह ऐसा भी होगा जो भाई साहब सबसे ज्यादा समय में घूमता होगा, कोई ग्रह ऐसा भी होगा जो सबसे कम समय में घूमता होगा। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी दादा टाइप का ग्रह है जो सभी ग्रहों को साथ में लेकर घूमता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे ज्यादा समय में जो घूमने वाला प्लैनेट है उसमें नाम आता है शुक्र, वीनस का। याद रखिएगा, अपने एक्सिस पर सबसे ज्यादा समय में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र। पृथ्वी के 243 दिन और शुक्र का एक दिन बराबर होता है। पृथ्वी के 243 दिन और शुक्र ग्रह का एक दिन बराबर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमने वाला ग्रह, अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमने वाला ग्रह बृहस्पति, जुपिटर का नाम आता है। ये जो बृहस्पति जुपिटर है ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमता है। अब सबसे कम समय में घूमेगा, अपने अक्ष पर घूमेगा, और अक्ष पर घूमने के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। तो सबसे छोटे दिन रात किसके ऊपर बने, बृहस्पति के ऊपर, और सबसे बड़े दिन रात किसके ऊपर बने, शुक्र के ऊपर। और पृथ्वी के ऊपर दिन रात कितने कितने घंटे के बने, 12-12 घंटे के बने। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, लगभग कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब ये पृथ्वी घूम रही थी अपने अक्ष पर। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस गति को परिभ्रमण गति, याद रखिएगा, परिभ्रमण गति के नाम से, क्रूसियस स्पीड के नाम से, घूर्णन गति के नाम से, रोटेशन स्पीड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो उस गति को परिक्रमण गति, ऑर्बिटिंग स्पीड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी थी, दिन रात बने थे। जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो कुछ ना कुछ तो घटना है उस समय भी घटेगी। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर दो बनते हैं। अब आपके एग्जाम में आ जाए कि मौसम परिवर्तन किस घटना के कारण होता है, और उसमें ऑप्शन ये ना मिले कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, तो उसमें एक ऑप्शन अवश्य ही ये मिलेगा कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण भी मौसम परिवर्तन होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण, और सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है
तो उसके कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन, ऋतुएं चेंज होती है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो उस समय। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमी तो उसने वक्त लिया 365.25 दिन का। अब यहां से क्वेश्चन ये निकलता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वक्त लेती है 365.25 दिन का। अब हमने सोचना क्या है कि 365 दिन हमारे पास में किस में होते हैं? तो भैया 365 दिन तो हमारे पास में एक साल में होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन निकल गया। अब और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सा निकला कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एक साल लगता है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो जो भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमेगा, सूर्य के चारों तरफ की बात कर रहे हैं ना कि अपने एक्सिस पर, जो भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमेगा उसके ऊपर या उसका एक साल बनेगा। अब सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा कौन सा करेगा? मरकरी करेगा, बुध करेगा। और सूर्य की सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा कौन सा करेगा? तो आप याद रखिएगा, वरुण करेगा। तो याद रखिएगा, सबसे जो बड़ा साल वाला ग्रह है उस पे नाम आता है वरुण का, और उसके बाद में सबसे छोटा साल वाला ग्रह है उस पे नाम आता है बुध का, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। अब ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमी दिन रात बने, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो मौसम परिवर्तन, ऋतु चेंज होती है। लेकिन इससे भी एक बेहतरीन क्वेश्चन ये निकलता है कि यदि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो इसकी गति की दिशा क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर घूमती है तो इसकी दिशा होती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व में। तो आपने याद क्या रखना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो आप याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट दिशा के अंदर घूमती है। किस दिशा में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट दिशा के अंदर घूमती है। अब आप एक चीज बताएं, बचपन देखा होगा सभी ने, सभी बचपन से वाकिफ होंगे, लेकिन बचपन के अंदर कुछ लोग हैं जो गांव से संबंधित है, या कुछ शहर वाले भी होंगे, जो लोग गांव से संबंधित है उन्होंने बचपन में एक टायर चलाया होगा। बचपन में टायर चलाया गया? आजकल वाले जो क्रांतिकारी है ना, वो टायर नहीं चलाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, पूरे दिन मोबाइल में गेम वगैरह खेलते रहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी जो एज वाले हैं, या इससे थोड़ी सी बड़ी एज वाले हैं, उन्होंने बचपन में टायर चलाया होगा, और एक साथ में हाथ में एक लकड़ी का डंडा भी होगा। जब टायर चलाया होगा तो उस डंडे से अच्छे तरीके से भाई साहब टायर चलाना सीखा, तो अच्छे तरीके से टायर चलाया। उसके बाद में जब टायर चलाना आ गया, टायर चलाना, तो उसे थोड़े बहुत करतब दिखाने के भी प्रयास किए होंगे। अब जब करतब दिखाया होगा आपने, तो आपने टायर को ऐसे पकड़ा, टायर को आपने ऐसे पकड़ लिया है टायर को, उसके बाद टायर को आपने ऐसे हिलाया और आगे करके और हाथ को पीछे किया, टायर को आपने आगे फेंक दिया, टायर फेंका, जब आपने आगे फेंककर हाथ को पीछे किया, तो आपने एक घटना देखी होगी कि वो टायर स्लिप मार के आगे नहीं जाता, वो टायर वापिस आता है। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि यदि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमे और सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार घूमे, तो ये पृथ्वी एक जगह ही स्थिर रहेगी, थोड़ा बहुत खिसकेगी, और हालांकि जहां तक का विचार है तो खिसकेगी नहीं, क्योंकि पृथ्वी एक जगह स्थिर रहेगी। अपने अक्ष पर यदि इस प्रकार घूमे और वह सूर्य के चारों तरफ इस प्रकार घूमे, तो पृथ्वी आगे नहीं बढ़ पाएगी, याद रखिएगा। तो आप ये चीजें याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसकी दिशा जो होती है वो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। अब क्वेश्चन यहां से भी दो तीन अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। यहां से जो प्रथम क्वेश्चन निकलता है ना, वो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ घूमी पश्चिम से पूर्व। अब पृथ्वी, हमने पहले भी बताया था कि पृथ्वी तो सारों ग्रहों में दादा टाइप का ग्रह तो है नहीं, जो पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही सारे ग्रह घूमेंगे, सभी की अपनी मर्जी है, कहीं भी घूमे आराम से, चिल करे, कहीं भी घूमे आराम से और किसी भी प्रकार से घूमे, पृथ्वी का कोई अधिकार है उनके ऊपर, वो अपनी मर्जी से घूमेंगे। तो याद रखेगा, एक पृथ्वी
और पृथ्वी के साथ में पांच ग्रह और है जो पृथ्वी के अनुसार ही घूमते हैं, लेकिन हमारे पास में दो ग्रह ऐसे हैं जिसमें नाम आता है शुक्र का, वीनस का, और जिसमें नाम आता है अरुण ग्रह का। याद रखिएगा, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह ये अपने अक्ष पर और ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में। अरुण और शुक्र घूमता है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर। कहने का तात्पर्य क्लॉक वाइज दिशा में घूमता है, और बाकी के जो हमारे पास में छह प्लैनेट बच गए, छह ग्रह बच गए, वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट के अंदर, घूमते हैं एंटी क्लॉक वाइज, घूमते हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। अब इन चीजों का एक क्वेश्चन तो ये निकल गया कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, तो उसमें नाम आता है शुक्र का और अरुण का, बाकी के सभी पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही घूमते हैं। लेकिन यहां से हम और बेहतरीन क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, तो यहां से जो पहला क्वेश्चन निकलेगा वो क्वेश्चन ये निकलेगा कि हमारे पास में ये पृथ्वी, हमारे पास में एक पृथ्वी, और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, और दिन और रात 12-12 घंटे के बनते हैं। देखिए, सोचने का बहुत आपके माइंड का खेल है ये, आप सोचेंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे। देखें, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 12-12 घंटे में, तो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। तो अपने अक्ष पर घूमती है लगभग 24 घंटे के अंदर, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको दिन रात बताने का नहीं था, क्योंकि ये तो बता चुके हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है दिन और रात बनते हैं, दिन और रात 12-12 घंटे के बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है? पृथ्वी के ऊपर जो सूर्योदय होता है वो सभी को मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय होता है पूर्व में, और सूर्यास्त होता है कौन से दिशा के अंदर, पश्चिम में। लेकिन इसी के साथ में हम आपको बता दें, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, ब्रिटेन को, और मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ घूमती है पश्चिम से पूर्व, उसी के कारण ही पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय हो रहा है पूर्व दिशा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय हुआ पूर्व में। पृथ्वी के साथ में जो पांच ग्रह और है जो पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, उनके ऊपर भी सूर्योदय कौन सी दिशा के अंदर होगा, पूर्व में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी, सूर्योदय पूर्व में हुआ। लेकिन जो ग्रह, जो प्लैनेट पृथ्वी की बातें ना मानकर, या पांच और ग्रह उनकी बातें ना मानकर, दो प्लैनेट ऐसे हैं जो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में। पृथ्वी और ग्रह घूमे थे पश्चिम से पूर्व में, तो सूर्योदय पूर्व में हुआ था। लेकिन दो ग्रह और ऐसे हैं जो भाई साहब इन सभी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, जिसमें नाम आता है अरुण और शुक्र का नाम आता है, वीनस और यूरेनस का नाम आता है, जो अपने अक्ष पर और जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं पूर्व से पश्चिम में, तो उनके ऊपर सूर्योदय होगा पश्चिम में। याद रखिएगा, जो ग्रह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमते हैं उनके ऊपर सूर्योदय पूर्व में, और जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, तो उनके ऊपर सूर्योदय पश्चिम में, और जो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं उनके ऊपर सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है, पूर्व में। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आपसे बताई है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों का जिक्र हम करते रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में भी इन चीजों का जिक्र होगा। उसके बाद में और कुछ पॉइंट बनते हैं जिसमें नाम आता है पृथ्वी के बारे में। आपको ये तो पता चल गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, ये चीजें आप इन चीजों से भली भांति वाकिफ हो गए हैं। उसके बाद देखें, हमारे पास में ये एक पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। हमारे पास में एक पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजर रहा है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा जिसे आप 0° लैटिट्यूड, 0° अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, और इस भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0° लैटिट्यूड,
देखिए, लैटिट्यूड और लोंगिट्यूड ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट है, लेकिन इनका जिक्र हम इंडियन ज्योग्राफी में भी करेंगे, ताकि कर्क रेखा और जो 82.5 है पूर्वी देशांतर रेखा, उनमें दिक्कत ना आए समझने में। यदि हम बात करें भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है, और कौन सा अक्षांश है, कौन सा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। पृथ्वी की सतह पर खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची हुई है, जिनके बीच की दूरी सभी के बीच में समान है, और जिनका कार्य जलवायु का, मौसम का अध्ययन कराना है, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स लाइन कहलाती है। तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाला जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, लेकिन इसी पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड खींचा हुआ है जिसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिको कैंसर, और इसी पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा खींची हुई है जिसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिको कैप्रिकॉन। ट्रॉपिको कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और 23.5 डिग्री याद रखिएगा उत्तर में, जिसे किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, इन तीनों के ऊपर पूरे साल में सूर्य का प्रकाश कभी ना कभी सीधा पड़ता ही है, आपने पहले भी पढ़ा होगा और आज भी आप पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये बनता है कि क्या ये तीनों रेखाएं, जो महत्वपूर्ण रेखा है, क्या किसी महाद्वीप से गुजरता है? तो आप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि क्या दो रेखा किसी महाद्वीप से गुजरती है या किसी देश से गुजरती है? तो याद रखिएगा, एक देश है जिसका नाम ब्राजील, एक देश जिसका नाम है ब्राजील, और ब्राजील जो कंट्री है वो कौन से कंटिनेंट में पड़ती है, कौन से महाद्वीप में पड़ती है? तो आप इसका आंसर कमेंट में दें, ब्राजील जो है वो कौन से कंटिनेंट में पड़ती है, और ब्राजील के बारे में आपको कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें पता हो तो वो सभी चीजें आप कमेंट में लिखें, आपका आंसर हम कमेंट में एक्सेप्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, एक ऐसा देश है जिससे दोनों रेखा गुजरती है, जिसमें भूमध्य रेखा और मकर रेखा, उसका नाम है ब्राजील। ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखा गुजरती है, उसमें नाम आता है अफ्रीका महाद्वीप का। लेकिन अब आपके माइंड में, अब आपके जहन में, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, और वो क्वेश्चन कौन सा था कि ये रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर ही क्यों खींची गई? आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पहला क्वेश्चन हम ये बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से क्यों जानते हैं? भूमध्य रेखा जो है इसे विषुवत रेखा के नाम से क्यों जानते हैं, ये एक बार समझे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। साल में 2 बार सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। भाई जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमी तो 2 दिन ऐसे आए हमारे पास में कि सूर्य का सीधा प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ा, और जब सूर्य का प्रकाश सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है उस घटना को हम विषु के नाम से जानते हैं। विषु इक्विनोक्स के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी साल में सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पूरे साल भर घूमती रहती है, तो साल में 2 दिन ऐसे आते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है उस घटना को विषु इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं, और इसी कारण ही भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना, आप कंटिन्यू बस जुड़े रहें और इसको लाइक शेयर और कमेंट वगैरह करते रहें वीडियो के अंदर। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जिसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा का तो दूसरा नाम है विषुवत रेखा, इसका नाम विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो साल में 2 बार सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है, और जब साल में सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है तो उस घटना को किस नाम से जानता है? विषु के नाम से, इक्विनोक्स के नाम से उस घटना को जाना जाता है, और यह घटना साल में 2 बार होती है जिसमें नाम आता है 21 मार्च का
मार्च और जिसमें नाम आता है 23 सितंबर का। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे पास में विशु बने। अब 21 मार्च को कौन सा विशु बना था तो आप याद रखिएगा वसंत विशु, और याद रखिएगा 23 सितंबर को कौन सा विशु बना था तो आप याद रखिएगा जिसमें नाम आता है शरद विशु का नाम आता है। 21 मार्च वसंत विशु वर्नल इक्विनोक्स और 23 सितंबर शरद विशु, याद रखिएगा 23 सितंबर शरद विशु का जिक्र होता है और ऑटम इक्विनोक्स जिसे कहते हैं। तो आप ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता, एग्जामिनर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एग्जाम में एसएससी पूछेगा क्वेश्चन आपसे, एसएससी क्वेश्चन ये पूछेगा कि वसंत विशु कब होता है, वसंत विशु पूछे तो आप बता देना वसंत विशु 21 मार्च को, और आपसे पूछेगा शरद विशु कब होता है तो 23 सितंबर को होता है। तो ये चीजें आपके जहन में हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए, वसंत विशु 21 मार्च और शरद विशु कब होता है तो 23 सितंबर को शरद विशु होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, वसंत विशु पूछेगा तो भी चार डेट आपको ऑप्शन में मिलेगी, शरद विशु पूछेगा तो भी आपको चार डेट ऑप्शन में मिलेगी। तो शायद आशा करते हैं कि ये चीजें आपको याद हो गई होगी। उसके बाद में हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश अभी फिलहाल भूमध्य रेखा के ऊपर है और घटना कब की है 21 मार्च की। 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश पड़ा भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा। अब ये तो है नहीं कि पृथ्वी भाई साहब सूर्य के चारों तरफ घूमते नहीं है, जब भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ गया तो सूर्य वहीं पर रुक गया प्रकाश, ऐसा तो है नहीं। अब जैसे ही पृथ्वी ने घूमना स्टार्ट किया 22 मार्च 23 मार्च 24 मार्च 25 मार्च ऐसे चलते चलते टाइम ऐसा आया कि सूर्य का प्रकाश 21 जून को, सूर्य का प्रकाश 21 जून को भाई साहब कर्क रेखा के ऊपर सीधा पड़ने लगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। याद रखिएगा इस घटना को किस नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति के नाम से। क्वेश्चन कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है उस घटना को कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। और यह घटना कब होती है तो आप याद रखिएगा यह घटना होती है 21 जून को, इस घटना का वर्णन मिलता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब भाई साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, कहने का तात्पर्य 23.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब 21 जून के बाद में सूर्य का प्रकाश 22 जून को कर्क रेखा के ऊपर नहीं पड़ता, कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, कहने का तात्पर्य है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण। देखिए फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में आ जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण सूर्य का प्रकाश कभी भी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ऊपर नहीं जाता और कभी भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से नीचे नहीं जाता। सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य। तो याद रखिएगा 21 जून के बाद में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के ऊपर ना पड़कर कर्क रेखा के नीचे ही पड़ेगा। 22 जून 23 जून 24 जून ऐसे पर चलते चलते टाइम ऐसा आया कि सितंबर के महीने में 23 सितंबर को फिर से भूमध्य रेखा के ऊपर आ गया। आप याद रखें, याद रखना क्या है कि इनके मध्य भाई साहब 6 महीने का गैप है, इनके मध्य 6 मंथ्स का गैप है, 6 महीने का गैप है। यदि आपको एक भी डेट याद है 21 मार्च तो 6 महीने के बाद में 23 सितंबर आएगा, 23 सितंबर याद है तो 6 महीने के बाद में 21 मार्च आएगा, इनके मध्य 6 महीने का गैप है। कहने का तात्पर्य 3 महीने में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के ऊपर पहुंचा और 3 महीने में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के नीचे आया है। 3 महीने में सूर्य का प्रकाश ऊपर गया कर्क रेखा के ऊपर भूमध्य रेखा से और फिर कर्क रेखा से फिर भूमध्य रेखा के ऊपर आया, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो इनके मध्य में 6 महीने का गैप, वरना याद रखिएगा 9 महीने का गैप है ना, वो बाल दिवस और वैलेंटाइन डे में भी है, पता होगा ये तो सभी को मालूम होगा, बाल दिवस और वैलेंटाइन डे में भी 9 महीने का गैप है और 6 महीने का गैप आप देख ही रहे हैं इनके अंदर। तो
तो कोई बात नहीं, ये चीजें आप याद रखें। उसके बाद में फिर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमी। अब जैसे ही पृथ्वी फिर से सूर्य के चारों तरफ घूमती है, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर ऐसे चलते चलते और 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश फिर से किस रेखा के ऊपर आ गया, तो आप याद रखिएगा मकर रेखा के ऊपर। फिर से 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के ऊपर पड़ा। अब 22 दिसंबर को जैसे ही सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, उस घटना को मकर संक्रांति के नाम से, कैप्रिकॉर्न सोल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। और ये कब होती है? 22 दिसंबर को। अब हम आपसे पूछें कि 22 दिसंबर के बाद में 23 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश नीचे पड़ेगा या ऊपर, तो कभी भी भूल कर ये मत बता देना कि सूर्य का प्रकाश नीचे पड़ेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 23.5 डिग्री से नीचे सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं है और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के ऊपर सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं है। अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा फिर से, याद रखिएगा 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर ऐसे चलते चलते 21 मार्च को फिर किस रेखा के ऊपर, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के ऊपर। फिर 3 मंथ के बाद में 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर, फिर 3 मंथ के बाद में 22 भूमध्य रेखा के ऊपर, फिर 3 मंथ के बाद में मकर रेखा, फिर 3 मंथ के बाद में भूमध्य रेखा, फिर 22 कर्क रेखा, फिर 3 मंथ के बाद भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। इस प्रकार पूरे साल भर सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा के बीच में सीधा पड़ता रहता है। कभी भी कर्क रेखा के ऊपर सीधा नहीं जाता, 23.5 डिग्री से ऊपर सीधा जाता है, और कभी भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यदि साउथर्न हेमिस्फीयर में नीचे आता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आपको भारत का सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। उससे पहले ये चीजें समझना अनिवार्य था, और हम पूर्ण विश्वास के साथ और दावे के साथ में आपसे ये बात कहते हैं, यदि आपने ये वीडियो एक बार और देख लिया तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने ये वीडियो एक बार और देख लिया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो कभी भी टाइम लगे तो एक बार फिर से दोबारा देख लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखें, हमारा क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश 6 महीने के अंतराल पर भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के मध्य 6 महीने का अंतराल है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में सूर्य का प्रकाश 3 मंथ में ऊपर गया था कर्क रेखा के ऊपर, और 3 मंथ में सूर्य का प्रकाश नीचे आया था। भाई सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक गया कितने मंथ में? 3 मंथ में। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, आसानी है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा या मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश 3 मंथ में, 3 मंथ पहले पड़ता था भूमध्य रेखा के ऊपर, और 3 मंथ बाद में पड़ने लगा भाई साहब किस रेखा के ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उनके अंदर 3 मंथ का गैप है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर खींचा हुआ है, 0 से 23.5 डिग्री तक सूर्य का प्रकाश पहुंचा 3 मंथ में। कहने का तात्पर्य है, सूर्य का प्रकाश हम मान लेते हैं कि लगभग 24 डिग्री खिसकता है कितने मंथ में? 3 मंथ में। लगभग 24 डिग्री खिसकता है लगभग कितने मंथ में? 3 मंथ में खिसकता है। तो सूर्य का प्रकाश एक मंथ में लगभग कितना खिसकेगा? 8, लगभग 8 कह रहे हैं, वरना 7.5 और 8 के बीच में आएगा पॉइंट। तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश एक मंथ में खिसकता है लगभग 8 डिग्री खिसकता है। तो ये कुछ पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और सूर्य का भी हमने थोड़ा बहुत पॉइंट का अध्ययन किया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का भी अध्ययन किया है। तो कल से हम नेक्स्ट क्लास से रेगुलर आपको भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बेहतरीन लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।